IPL 2023 में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ऐसे में धीरे धीरे जो प्लेयर्स है वो धीरे धीरे IPL से बाहर होना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, टीम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें दिख रही है क्योंकि काफ़ी सारे बड़े बड़े प्लेयर जो है वो IPL से बाहर हुए हैं। तो आज के वीडियो में आपको उन 8 प्लेयर्स के बताने वाला हूँ जो IPL में इंजर्ड हो चुके हैं, उनकी क्या सिचुएशन है अभी, कैसे वो इंजर्ड हुए हैं और क्या वो IPL खेलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गुजरात टाइटन्स के बारे में। गुजरात टाइटन्स के लिए प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उनके जो एक प्लेयर है जॉस लेटर वो इंजर्ड हो गए और वो रूल्ड आउट भी हो गए PSL से, तो हो सकता है कि IPL भी ना खेले। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो सरफराज खान है वो भी IPL 2023 से बाहर हो सकते हैं, उनको फिंगर इंजरी हुई है और जो ईरानी कवरेज चल रहा है उससे वो बाहर हो चुके हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं परेशानी रहने वाला है। वही बात करें हम लोग राजस्थान रॉयल्स के बारे में, तो प्रसिद्ध कृष्णा जो है पूरी तरीके से कंप्लीटली बाहर हो चुके हैं IPL 2023 से। वही नेक्स्ट अगर निकल के CSK की तरफ, CSK जो स्टार प्लेयर है काइल जेम्सन वो भी IPL से पूरी से बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करें पंजाब किंग्स के बारे में, तो पंजाब किंग्स के जो स्टार प्लेयर जॉनी बेस्ट वो भी IPL 2023 से शायद तक बाहर हो सकते हैं, उनको फ्रीक इंजरी हुई जब उनके से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि उनको एकदम भी आइडिया नहीं है कि वो कब तक रिटर्न करने वाले हैं। इसके अलावा पता है कि जो ऋषभ पंत है वो भी IPL 2023 से कंप्लीटली बाहर हो चुके हैं। भाई बात करें RCB के बारे में, तो RCB के जॉस हेजलवुड और जो मैक्सवेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो हिस्सा है वो मिस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि दोनों को इंजरी हुई, जी हाँ आर्चिलीज इंजरी जो है उनको हुई है और होपफुली वो काफ़ी रिकवर कर जाए।